अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असगर अली बुखारी आपका खादिम आपके खिदमत में हाजिर है कस्टर्ड का मिल्क शेक लेकर। आज हम कस्टर्ड का मिल्क शेक बनाने लगे हैं। 1.5 kg मैंने मिल्क लिया है। मिल्क को सबसे पहले बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को हम थोड़े से पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से फिर हम इसको दूध में शामिल करते हैं। मैंने 4 स्पून कस्टर्ड लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले हमने इसको हमने गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है हमारा कस्टर्ड। अब हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है, इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। तीन, चार और ये पांच स्पून शुगर मैंने इसमें 5 स्पून शुगर ऐड की है। आप हसबे जायका जितनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो गया। अभी 5 मिनट और मज़ीद इसको हम पकाने के बाद ठंडा करेंगे। काफ़ी गाढ़ा हो गया, इसको अब हम तकरीबन 10 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब हम इसको मिक्सचर में डालेंगे। अब हम इसमें आइस डालेंगे। बादाम है, ये जैली है, पिस्ता और तुक मलंगा। इस तरह से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद जेली है, जेली के 4-5 पीसेस जो हमने किए हुए हैं। उसके बाद बादाम, पिस्ता